सबसे पहले तो आपको नमस्कार, दीपावली की राम राम, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और जैसे हमारी 3 महीने की बैठक होती है, जहाँ बीकानेर शहर के प्रभारी होने के नाते मैं पिछली बार भी आई थी, लगातार मैं संगठन से संबंधित जो हमारी मीटिंग है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक की कार्यकारिणी है, सभी से मिलकर बातचीत करते रहते हैं कि पार्टी को हम किस तरह से मजबूत करें, किस तरह से आगे हमारे नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं तो इसमें किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए, किस तरह से हम हमारे चेयरमैन बनाए, किस तरह से हम हमारे मेयर बनाए, इस तरह से लेके ये बैठक लगातार चलती रहती है और मैं हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में आती रहती हूँ। बाई इलेक्शन होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बाई इलेक्शन है तो अभी खेमसर है, तो मैं मेरे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, संगठन के कार्यकारिणी है, सभी से मेरा यही निवेदन है कि आज हमारे जो 7 उपचुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो जहाँ भी आपके कोई रिश्तेदार हैं या आप अपनी सक्रिय भूमिका निभाइए ताकि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करें। बाई इलेक्शन में पूरी आशा और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी हमारी जीतेगी, क्योंकि 1 साल का जो भाजपा का कार्यकाल रहा है वो आपने भी देखा और हमने भी देखा है, लगातार किस तरह से आज जनता परेशान है, आज हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, किसान भी हमारे, देखो मैं तो जिस क्षेत्र से आती हूँ, आज मूंग की जो खरीद है हमारी, बात रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहे हैं, पानी को लेकर हम सड़कों पर हैं, डॉक्टर को लेकर हम सड़कों पर हैं, और जो मात्र 2000 रुपये जो कुकम हेल्पर हैं स्कूलों की मैंने विजिट की है, तो उनके 7-7 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है, मिड डे मील का हमारा पैसा अटका पड़ा है, जो हमारी राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी उस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है, इनको जो खत्म करने पे है, इसके ऊपर कोई सरकार का हमने अभी तक कोई विजन नहीं देखा है, तो किसी तरह से ये कह रहे हैं कि हर जगह पे जो भाजपा सरकार है नाकाम रही है, और पूरी आशा और उम्मीद है कि जो बाई इलेक्शन है हमारे, हम जीतेंगे और सरकार को मजबूती, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूती प्रदान करेंगे। बाई इलेक्शन पे 2 सवाल पैदा होते हैं। हाँ जी, आपने बीजेपी की गवर्नमेंट पे ये ब्लेम लगाया, ब्लेम क्या लगाया, ठीक है आप अपोजिशन में है, आपकी जिम्मेदारी भी, आपका काम भी है कि सवाल उठाएं, आपने सवाल उठाया कि 1 साल में उसने कुछ भी नहीं किया, एक बार। दूसरी बात, बाई इलेक्शन में एक बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोगों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वहीं एक फैक्टर हनुमान बेनीवाल भी है, किस तरह से आप फाइट करें? नहीं देखो, ये तो चुनाव है, तो क्या भाजपा वाले कहीं नहीं जाते हैं क्या? ये तो कोई भाजपा छोड़ के भी जाता तो भाजपा के अंदर क्या गुटबाजी नहीं है? क्या भाजपा के लोग छोड़कर कांग्रेस में नहीं आते हैं? वो तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पार्टी किसी के आने से या किसी के जाने से खत्म नहीं होती है। पार्टी हमारी बहुत, सबसे पुरानी अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस की पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन जो चीज आप कह रहे हो कि बेनीवाल जी का है, वो उनका, देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है और जनता का जनमत है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि कांग्रेस पार्टी किस विचारधारा की पार्टी है, जे गरीब की, किसान की, मजदूर की, हर वर्ग की, तबके की जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है हमारी, तो कांग्रेस पार्टी को हम तो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करो और आप इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। अभी हिंदुस्तान का आपने देखा ही है कि मोदी जी का हमारे 3 जो कार्यकाल आपने देखे ही है, केंद्र के सरकार है, तो आज किस तरह से आप देखो, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने देखा होगा वर्तमान के अंदर क्या देश की कंडीशन है, मणिपुर को आप देखिए क्या हालात है हमारे देश की, तो इन बहुत सी चीजों के ऊपर हमें गहनता से विचार करना होगा, मंथन करना होगा और हमें लोकतंत्र को बचाना होगा, इस किसानी को बचाना होगा, इस मजदूर को बचाना होगा हमें। तो बीजेपी गवर्नमेंट की फेलियर को लेकर कांग्रेस को सड़कों पर आता हुआ आवाम ने नहीं देखा? नहीं देखा है जी, बिल्कुल, हम लगातार है पानी के मुद्दे के लोग लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं, हनुमानगढ़ हमारी मीटिंग थी वहां भी जा रहे हैं, और पीछे जब जब हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमें आह्वान किया है, हमने ज्ञापन भी दिया, लगातार हम जो सरकार की गलत नीति है उनका विरोध कर रहे हैं, ओपीएस जैसे हमारे शैक्षिक सम्मेलन थे, नहीं करते हैं विरोध करते हैं, शैक्षिक सम्मेलन था 25-26 तारीख को, ओपीएस को लेकर विरोध प्रदर्शन भी अगर इत्तेफाक से कभी कभार होते हैं तो उसमें बहुत थोड़े से लोग नजर आते हैं, तो क्या हम माने कि कांग्रेस पार्टी में बहुत थोड़े से लोग बचे? नहीं नहीं, कोई थोड़े से लोग नहीं है, हम 40-40 हजार से जीत के आए, कैसे कह सकते हो थोड़े से लोग है, हम लाखों वोटों से जीत के आए हैं, ठीक है, एक विरोध प्रदर्शन हमें करना है लोकतंत्र के अंदर, वो एक सरकार तक मैसेज देना होता है, तो भारी संख्या में जब हमें बड़ा प्रदर्शन करना होता है तो हजारों की संख्या में हम लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूत है और पीछे जो देखा है आपने रिजल्ट भी आया, हार और जीत तो एक अलग इशू है, लेकिन आज पार्टी बहुत मजबूत है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो हमारी गवर्नमेंट थी उनकी जो नीतियां थी, चाहे चिरंजीवी थी, चाहे हमारी कामधेनु योजना थी, चाहे ओपीएस थी, चाहे युवाओं को रोजगार जो हमारे राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे उनकी थी, ऐसी बहुत सी योजनाएं जिनको आज जनता याद कर रही है। आखिरी सवाल आपसे जी, अशोक गहलोत साहब की बात आपने की, गहलोत वर्सेस पायलट, ये एक बैटल चलता रहा 5 सालों, अभी भी जारी?
नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी तो पार्टी है, पार्टी के अंदर अपने अपने विचार था, लेकिन सभी हम कांग्रेस एकजुट हैं, एकजुट थे, वो हमारे से बहुत सीनियर है। लेकिन मैं मेरा व्यक्तिगत मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा नीतिकार ना था, ना था, ना है, ना कोई आएगा। उनकी जो नीतियाँ हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मजदूर है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, हर वर्ग के लिए। ओपीएस जैसी कितनी अच्छी स्कीम थी, अभी एनपीएस गवर्नमेंट लेके आई है केंद्र की सरकार, इसके बारे में बताइए आप, किस तरह से पूंजीवाद और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविधा पे रखे जा रहे हैं, तो जो बच्चे बीएड करें। नहीं देखो पायलट जी अपनी जगह है और गहलोत साहब अपनी जगह है, मेरे लिए दोनों ही सीनियर है, दोनों मेरे सम्माननीय है, उनका मान सम्मान करते हैं, वो भी पार्टी के लिए काम करते हैं, पायलट साहब भी और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व थे अशोक गहलोत जी, वो भी पार्टी के लिए हम काम करते हैं, तो सभी अपना अपना वर्चस्व रखते हैं, सभी पार्टी के लिए हम काम करें। पूरी आशा और उम्मीद है कि बाई इलेक्शन है जी हम जीतेंगे। थैंक यू भाई।